जबलपुर में अपने 5 साल के बीमार बेटे को गोद में लेकर माँ अस्पताल के बाहर बैठी रही, लेकिन ओपीडी टाइम में भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। माँ बार बार बेटे से उठने को बोलती, बेटा उठ जा, उठना बेटा, लेकिन उसकी मौत हो गई। माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। घटना का वीडियो सामने आया है। यह दृश्य जिसने भी देखा उसका कलेजा भर आया। यह दृश्य विरदाक घटना जबलपुर जिले के बड़गी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। एक 5 साल के बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर परिजन बुधवार सुबह 10 बजे अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर नहीं मिले। परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कलेक्टर से फोन पर बात कर जांच का निर्देश दिए हैं। इस मामले की जांच का रिपोर्ट मांगी है। जिनकी गलती मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर जबलपुर कलेक्टर टी एलयराजा का कहना है कि परिजन बच्चे को मृत हालत में ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर के ड्यूटी पर होने का दावा भी किया है। बड़गी से करीब 15 किलोमीटर दूर तीनहेटा गांव के ऋषि को बुधवार सुबह उल्टी दस्त की शिकायत हुई। बच्चे को उसके मामा पवन कुमार और परिजन सुबह करीब 10 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गी ले गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए एक भी डॉक्टर नहीं था, एक नर्स ड्यूटी पर थी। ऋषि की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। पवन कुमार का कहना है कि नर्स ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, लेकिन हम 12 बजे तक अस्पताल में इलाज के लिए भटकते रहे। CMHO जबलपुर दफ्तर की मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र बड़गी में डॉक्टर लोकेश की ड्यूटी थी। वह बुधवार को अस्पताल दोपहर 12 बजे पहुंचे, जबकि अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे खत्म होती है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर लोकेश के अपने सीनियर्स की ड्यूटी पर देर से पहुंचने की वजह परिवार को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम शामिल होना बताई है। जबलपुर कलेक्टर टी एलयराजा का कहना है कि बच्चे के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्चे को कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी, उसका एक पैर जल गया था, जिसका इलाज पिछले 10 दिनों से परिजन स्थानीय स्तर पर कर रहे थे। जले हुए पैर के में इन्फेक्शन बढ़ गया था, जिसके इलाज के लिए उसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर लोकेश बच्चे को देखने के बाद मृत घोषित किया था। परिजनों को भी बता दिया है कि बच्चे की मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी है। भैया हम यहाँ पे लेके आए थे, मेरा भांजा है वो, हाँ, तो मैंने उसको लेकर आया था इधर पे, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि परिजन ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो हम अपनी एक टीम भेज रहे हैं, अभी CDR होता हमारा।